पिल्लू जी, आपका कोई बेस्ट परफॉर्मेंस जो अगर आपको? मेरा ऐसा होता है ना कि कभी कभी कुछ अच्छा निकल के आता है, हम करते तो कोशिश तो वही है, तो मैं हमेशा वो एक्चुअली ये सोच मेरी नहीं है, मेरे एक फ्रेंड है राइटर, उसने सौरभ शुक्ला जो सौरभ शुक्ला साहब जो है उनसे ये बात सुनी और मुझे बताया, मुझसे शेयर की, मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ कि एक्टर जो है वो हमेशा बेस्ट देने की कोशिश करता है। हाँ, तो अपने से कुछ अगर बेस्ट आता है तो उसको सेव करो, जैसे कि आपका हंसना हो गया, आपका देखना हो गया, आपने कुछ हरकती की, वो आप सेव कर लो, और वो सेव करने के बाद अगर आपको लगे कि ये इस जगह फिट हो रहा है तो वो निकाल लो। ऐसे सेव करते करते ही आपका भंडार जो है एक्टिंग का वो खजाना बन जाएगा, तो उस खजाने से हीरे मोती ही निकलेंगे। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी हम पूरा शॉट देते हैं, पूरा शॉट तो हमें उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुछ चीज़ें हो जाती है, कुछ ऐसा हो गया, मजा आ गया, हाँ यार ये लुक बहुत बढ़िया, या डायलॉग डिलीवरी बहुत ही सुपरली है, बाकी हम वापस करते हैं, ऐसा हो जाता है। यस, तो मैं उस तरीके से देख रहा हूँ, तो और बाकी वो पूरा शॉट लेने के लिए देखो, डेली सोप में उतनी रिहर्सल होती नहीं है, मतलब दो तीन बार रीडिंग कर लिया, दो तीन बार रिहर्सल कर लिया एंड देन टेक होता है, लेकिन फिल्मों में या नाटक में बहुत बार रिहर्सल होती है, कैसे करना क्या करना, बहुत अलग तरीके से शॉट लिए जाते हैं फिल्मों में, तो वो बहुत ही ब्यूटी दिखती है उसमें। डेली सोप में वो उतना स्कोप नहीं होता है, लेकिन उसके बाद भी अगर डेली सोप में आप छा जाते हो तो आप बहुत ही बढ़िया एक्ट करते हो, क्योंकि क्या होता है ना कि टीवी का टेकिंग और फिल्म का टेकिंग बहुत अलग अलग है, तो उसमें अगर आप फिल्मों की तरह एक्टिंग करोगे तो उतना इम्प्रेसिव नहीं लगता नहीं, है नहीं, हाँ। तो आपको टीवी के लिए कुछ अलग थोड़ा सा एफर्ट्स डालना पड़ता है, आपको रेगुलेटर रखना पड़ता है। हाँ, ज़्यादा वो बात है ना कि सब्जी में अगर हम इतनी सब्जी बना रहे हैं तो इतने नमक की ज़रूरत होती है, इतनी सब्जी बना रहे हैं इतने नमक की ज़रूरत होती है, तो परफॉर्मेंस नमक है, उस चीज़ में कितना डालना है उसकी मात्रा और मीटर पता होना चाहिए। जैसे कि खाने में अगर बटर मतलब वो बटर लग रहा है तो नमक की मात्रा कम होनी चाहिए, अगर बटर नहीं है तो नमक थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, तो संतुलन बना रहता है, संतुलन। तो आपने बटर गिरा है नहीं गिरा है वो आपको ही ढूंढना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू नवीन भाई।